बिहार में लॉकडाउन खत्म किए जाने के बाद बैंक लूट की बड़ी वारदात सामने आई है। हाजीपुर में लुटेरों ने बैंक से 1,19,00,000 की बड़ी लूट की वारदात को अंजाम दिया है। वारदात हाजीपुर नगर थाना क्षेत्र के कर्णपुरा की है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के गृह निवास के पास हुई इस वारदात में सुबह सुबह 5 लुटेरे SDFC बैंक के कर्णपुरा ब्रांच पहुंचे। लुटेरे ने बैंक कर्मियों को हथियार की नोक पर कब्जे में लिया और बैंक के कैश रूम से 1,00,00,000 से ज्यादा नकदी लूट लिया। बैंक लूट की इस बड़ी रकम को लुटेरे बोरे में डालकर कंधे पे टांग भाग निकले। भागते लुटेरों की तस्वीर CCTV में कैद हुई है। वारदात की खबर के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप है। SP SDPO सहित पुलिस टीम बैंक की पड़ताल को पहुंचे तो आसपास के जिले को अलर्ट किया गया है। लुटेरों की धरपकड़ के लिए जिले के सभी बॉर्डर को सील कर दिया गया है और पुलिस छापेमारी में जुट गई है। बस रखा है अराउंड 10:20-10:25 के बीच में जानकारी हासिल हो रही है। हम लोगों ने देखा है कि 5 लोग जो हैं और बैंक रॉबरी करके बाहर निकले हैं। लूट जो होते हैं वी आर फॉलोइंग दोस्ट। कितने की लूट हुई है? आई थिंक अराउंड 1 करोड़ जो उनका अमाउंट है उससे ज़्यादा हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी एक्जैक्ट अमाउंट नहीं पता है बट वी आर थिंक अराउंड 1 करोड़। CCTV में कुछ आया है सर? जी आया है, उसके मैसेज हमने कुछ फॉलो किया। थैंक यू सर।